हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक, नाउन एंड इट्स काइंड्स, मीन्स संज्ञा और इसके भेद, जैसा कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं. एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इट यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज नाउन? तो मैं आपको नाउन की डेफिनेशन क्रैम करने के लिए नहीं बोलूँगी. आपको कभी भी कोई डेफिनेशन क्रैम नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसे समझना है. आप नाउन को ऐसे समझिए कि नाउन नाम है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का और किसी भी स्थान का नाम ही नाउन कहलाता है. एग्जाम्पल्स, द गर्ल इज़ प्लेइंग विद अ कैट. गर्ल, यहाँ पे गर्ल एक पर्सन है और कैट एक एनिमल है. मीन्स एक पर्सन के नाम को और एक एनिमल के नाम को हम नाउन कह सकते हैं. कोई भी एक पर्सन है, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, और एनिमल में कोई भी एनिमल एक नाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली. हेयर दिल्ली इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, इसीलिए दिल्ली भी एक नाउन है. नेक्स्ट, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल. मेरे पास एक पेन और पेंसिल है. तो पेन और पेंसिल क्या है? दीज आर थिंग्स. सो थिंग्स आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ नाउन्स. ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी काइंड ऑफ नाउन्स. नाउन्स आर ऑफ फाइव काइंड्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग. हियर पर्टिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलर मीन्स जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्लेस मीन्स जगह को, और किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति, जगह और किसी वस्तु को जब हम कोई स्पेशल नाम दे देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है तो मैं उसे किस नाम से बुला रही हूँ? सुनील. तो हेयर सुनील इज अ प्रॉपर नाउन. एक शहर है, एक जगह है और मैं उसे किस नाम से बुला रही हूँ? मुंबई. सो मुंबई इज़ ए प्रॉपर नाउन. मंडे, इट इज़ द डे ऑफ अ वीक. ये हमारे वीक का एक दिन है. मैं स्पेशली मंडे के बारे में बात कर रही हूँ. सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. उसी तरह से गंगा भी एक रिवर का नेम है, इसीलिए गंगा इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन हम किसे बोलते हैं? इसे आप हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. और कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम किसी किसी क्लास या फिर किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, किंग, बॉय, सिटी. अब देखिए, किंग, मैंने यहाँ पे किंग वर्ड यूज़ किया है, लेकिन मैंने किसी किंग का नेम नहीं बोला है यहाँ पर. उसी तरह से मैंने बॉय की बात की है, लेकिन यहाँ पर किसी भी बॉय का नेम मेंशन नहीं किया है, सोहन, मोहन या रोहन. उसी तरह से सिटी, यहाँ पे शहर, मींस मैंने यहाँ पे किसी भी सिटी का नेम मेंशन नहीं किया है. अगर मैं कह देती मुंबई, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, दिल्ली, तो ये क्या बन जाता? हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिटी का नेम बता दिया है. अब सिटी तो कोई भी हो सकती है, उसी तरह से बॉय कोई भी हो सकता है. अगर मैं यहाँ पे किसी बॉय का नाम बता दूंगी तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, अदरवाइज इट विल बी अ कॉमन नाउन. और नेक्स्ट नाउन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन को आप लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा. मीन्स कोई मटेरियल, हमारी बहुत सारी थिंग्स जो हैं, मोस्टली सभी थिंग्स किसी ना किसी मटेरियल से बनती हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव हेयर अ पेंसिल एंड ए पेन. दिस पेंसिल इज़ मेड ऑफ वुड. सो वुड इज़ अवर मटेरियल नाउन. दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक. सो प्लास्टिक इज़ मटेरियल नाउन. उसी तरह से टॉवल्स आर मेड ऑफ क्लॉथ. टॉवल्स किसके बने हैं? क्लॉथ के बने हैं. सो क्लॉथ इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, ग्लास. ओके, क्लियर? अवर नेक्स्ट नाउन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन को आप लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. ये एक ग्रुप को रेफर करता है. ग्रुप किसका? या तो पर्संस का ग्रुप, या फिर क्रिएचर्स का ग्रुप, या फिर थिंग्स का, यानी कि वस्तुओं का ग्रुप. कैसे? मैं अभी आपको बताती हूँ. ये देखिए, टीम. टीम
टीम हम किसे बोलेंगे? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यानी कि टीम. नेक्स्ट इज क्राउड, यानी कि भीड़. ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्राउड कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्राउड. सो हेयर टीम एंड क्राउड, दे आर कलेक्टिव नाउंस. ओके, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अक्षिता हैज अ बंच ऑफ कीज. ये देखिए, आई हैव हेयर अ बंच ऑफ कीज. बंच मीन्स गुच्छा, चाबियों का गुच्छा. जब बहुत सारी चाबियां किसी एक ही कीरिंग में या एक ही स्थान पर होती हैं तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बंच. दिस इज कॉल्ड बंच, बंच ऑफ कीज. तो हेयर इन दिस सेंटेंस बंच इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, एंड हेयर अक्षिता, कैन यू टेल मी व्हाट इज अक्षिता? अक्षिता इज अ प्रॉपर नाउन. हाउ? हाउ इज इट ए प्रॉपर नाउन? ये प्रॉपर नाउन कैसे है? क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल. क्लियर? नेक्स्ट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोग ध्यान से समझिए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये है एक ऐसी कोई चीज जो मेटीरियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है. मीन्स वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पेंसिल की तरह या पेन की तरह या कीज चाबियों की तरह वो एग्जिस्ट नहीं करती है. मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें हमारी फाइव सेंसेस काम नहीं करती हैं. फाइव सेंसेस मीन्स देखना, टच करना, हियर सुनना, स्मेल करना एंड टेस्ट करना. इन फाइव सेंसेस से आप उन्हें यूज में नहीं ला सकते हैं. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कह सकते हैं? कोई आइडिया भी हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई फीलिंग भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती है, कोई एक्शन मींस ऐसा कोई काम जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, ग्रीड. उसी तरह से मैं और बताती हूँ आपको, जॉय खुशी, हैप्पीनेस, सैडनेस. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? ओके, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट any grammar topic. Please write in comment section which topic do you want me to make a video on. Okay, thank you.